अधिकारी महोदय डेगाना और डीएसपी महोदय डेगाना, थाना अधिकारी महोदय डेगाना और तहसीलदार जी डेगाना को मैं आप सभी का धन्यवाद आभार प्रकट करूं। आपने पहले दो दिन पहले मीटिंग बुला करके और सभी को समझा दिया अच्छे तरीके से, गांव का लोगों ने किया समझाना पिया समझाई दिया ए वास्ते जकी बात ना आपने पे कई बे लोग जकी आपने याद रखनी है आपने रैली में की रूप उच्चारण जकी है मारा पहली आगरा थाने आपने बताई दी ए वास्ते ज्यादा बिपर बकबा में की ज्यादा सार को नहीं। अब बात है के कई लोग केवे की मथा के नुकसान कहीं भी हो, कई लोग आपा पर सवाल खड़ो करे कि मथा के कहीं नुकसान हो, जका ने फायदो मिलगो जका थोड़ा लारे रह गया वो फायदो नहीं मिलो जका ने आगे कर दो। बा लोगों ने मारो एक निवेदन है कोई केवणो है के थोड़ो विचार करो, हजारों की तादाद में ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बंटी हुई थी बाबा साहब ने इसको एक करने के लिए एक जाजम पर लाने के लिए अनुसूचित जाति का रूप दिया। ये अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है यानी हजारों की संख्या में जगह तो बना करके और एक जाजम पर किया। अब यूं कहेंगे कि आपा ने भया भया ने लड़ाबा वास्ते एक छोटी सी आंगली कर दी है हाल यूं कहो है मैं ज्यादा पढ़ियों को नहीं वास्ते आपने समझाऊ यूं कौन कहो छोटी की आंगली यदि बड़ी हो जाया करे टीका बाड़ो और के बाड़ो खोटो गुणू है मैंने मरा दिया करे इन वास्ते आप भया भया में फूट डाल पा वास्ते ओह बट शुरुआत की है मैं तो जानू अब क्यों करी पाको दिमाग पागन है और फिर भी है अगर एन को ये सिस्टम चालू करनू चाहे जरा सुप्रीम कोर्ट पहली आपका न देखे खुद लाने के भाई बटू शुरुआत कर देवे ने आपकी सुप्रीम कोर्ट शुरुआत कर देवे के भाई आप माके लागू करे थे कि पहल बहुत था यहां दो बटू ताकि फिर आपने जो जनसंख्या के आधार पर जनगणना करावे पहले और जनगणना कराने के बाद में जितनी संख्या है जिस समाज की उतना उसको हक दिया जाए आरक्षण 100% दे दो सभी को दे दो कोई हमारी तरफ से अंतराज नहीं है लेकिन ध्यान रहे कि जिसकी संख्या है उतना सबको बांट दो। एक तरफ है 50% लोग बैठे हैं और पान ले जा 10 रोटी पकड़ाई दी नहीं भूख मिट जाई एक तरफ 10 है 20 पकड़ाई दी नहीं क्या ये वाजी वाजिब है ये अन्याय है। और मैं तो एक बात और कहूं कि बाबा साहब को संविधान की बजे हूं आप आगे दूर पहुंचे हाँ लेकिन संविधान ही भया थाने जान को नहीं संविधान 5% ही लागू नहीं है 5% ही और क्यों नहीं है बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो जब बुरे लोग इसको लागू करने वाले होंगे तो ये बुरा साबित होगा और संविधान बुरा होगा तो भी इसको लागू करने वाला अच्छे लोग होगा तो ये अच्छा साबित होगा। इन वास्ते आप लोग है जगह दूर दराज उपड़ा जोड़ा दिमाग में बात रखनी हम सब ऐसी एससी ओबीसी और मोमडन भाई सब भाई भाई है हम सब हमारे में कोई विग्रह नहीं होना चाहिए एक दूसरा को साथ देना चाहिए और जैसे अपना बटेरा देता है वैसे देना चाहिए। हाँ कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने बांटवा को काम करे जगह बा लोगों को काम है वो तो उन्हीं को है वो ही जाति को वो ही जाति को। अब कई बार मैं लिखू भेदभाव छुआछूत के खिलाफ मैं हमारी बात रख दू मालदाई कहीं के वैसे अति बात मत भी क्या करो और अरे ओबीसी हमारे भाई बंद बेटा देखा अरे अपर का सोते वो माँ के खिलाफ नहीं के था के खिलाफ गोनी है वो हगड़ा के खिलाफ लिखे हगड़ा पे क्या कैसी है एक जगह पर आएगा कहीं भाई बेटी रोटी को लिस्ट तो है गई था के खिलाफ गोली गई बात था के खिलाफ ही बात थे भी निजर लारा न कर आपाओ तो ओ है थोड़ो हड़को वो भी और निजर करे आपाओ तो ओ है आपाओ ओ है क्यों भाई पहले आप अपना घर सुधारो
फिर दूसरों पर है। इसलिए मैं तो मेरा ही भाइयों को समझाने का काम कर रहा हूँ। सोचते कि ये कोई हमारे खिलाफ ही है, आपके खिलाफ नहीं है। मैं तो मेरा ही भाइयों को कहना चाहूँ, आप एक जजम पर आ जाइए, एक जाति पाति मिटा दीजिए पहली। सिर्फ हम ऐसी है ऐसी है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। न हम मेघवाल है। और मारो एक और निवेदन दे, जातिया के नाम जता भी संगठन बनोड़ा है ना, मैं तो सभी लोगों को निवेदन करूँ आने तुरंत प्रभाव आने मिटा दे, खत्म कर दे आने। और ऐसा संगठन तैयार करे एसी एसटी ओबीसी एरो संगठन तैयार के एक जाति पर आवे जैन को न्यारी न्यारी जातियां थे बनाई बनाई और न्यारी न्यारी जातियां में बन रिया हो और फेर है जो थे ताकत के साथ आओ लड़नू चाहो के लड़ो भाई। आप तो पहली माता फोड़ बैठ गया, बताऊ के लड़ी दिया पाऊ। इन वास्ते आ लड़ाई अगर सही ढंग लड़नी है ना तो आपने एक मंच पर हकड़ा ना आनो पड़ी, अरे एक दूसरा को साथ देनो पड़ी। क्यों ठोकी कौन लागी कहीं की कोई नाराजगी है कहीं की? हाँ तो इन वास्ते आप लोगों सब निवेदन मारो वही दे ही के आप लोग जैसे ही यहाँ से गुजरे पाचा वापिस आपके गांव जावे, जरा कदे दिमाग में मेघवाल आने लावे गई है रेगर है, रेगर आने लावे गई है हरिजन है, हरिजन आने लावे गई है दूसरी जाति का है। ऐसा विचार बिल्कुल अपन लोगों को त्यागना पड़ेगा। और आप त्याग जान जरा ओबीसी मते त्याग के पहले लगन खुद ले लियो जर पते मते ले लिये। आपा में हाल भ्रांति हनी बहुत ज्यादा फैलोड़ी है। और अब आपने शांतिपूर्वक बात तो बताई देनी और पुलिस प्रशासन सारा को अपने साथ में सहयोग है। और ऐसे जगह आपने बात बताई के भी अनुसार आपने रैली के रूप में